हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ आर फार्मासिस्ट का नॉन टेक्निकल पार्ट फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके अंदर एक से दस तक एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चलिए अब डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉप टेन एम क्वेश्चन नंबर वन एक चींटी तीन मीटर चलती है और फिर चार मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है चलिए दोस्तों तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक चींटी तीन मीटर चलती है तो ये चली हमारी यहाँ से तीन मीटर कितनी चली तीन मीटर तीन मीटर चलती है और फिर चार मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर यानी ये हमारा वृक्ष हो गया ये ये कितना हो गया हमारा चार मीटर ठीक चार मीटर तो दोस्तों हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है इसकी ये तो अब आपने देखा होगा कि ये हमारा नाइन्टी एंगल बन गया नाइन्टी एंगल तो ये क्वेश्चन बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये कर्ण हो गया तो कर्ण का फार्मूला आपको याद हो जान होना चाहिए कर्ण का फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो ये तीन आपका आधार हो गया और चार आपका लंब हो गया तो अब सीधा इसमें फार्मूला लगा देंगे कर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर होता है हमारा नाइन प्लस चार का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर होता है सोलह नौ और सोलह कितने हो गए नौ और सोलह हो गए हमारे पच्चीस तो ये रूट के अंदर आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक और ट्वेंटी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव का मान आपको पता ही होगा कितना होता है पाँच तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी फाइव मीटर आई होप दैट समझ में आ गया होगा दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं यानी एक चींटी तीन मीटर चलती है और फिर चार मीटर ऊँचे एक वृक्ष पर चढ़ती है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है तो मूल स्थान से कुल दूरी पूछी गई है तो इसीलिए लिए ये तीन मीटर चली माना और फिर ये तीन हो गया हमारा और ये चार हो गया चार मीटर हो गया तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है इसकी तो सीधा सा फॉर्मूला तीन का स्क्वायर प्लस नौ चार का स्क्वायर प्लस सोलह तो नौ और सोलह पच्चीस हो गए रूट पच्चीस और रूट पच्चीस का मान होता है पाँच मीटर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो सीरीज ध्यान से देखिएगा तीन पाँच छः बारह फिर बारह फिर क्वेश्चन मार्क फिर चौबीस फिर छब्बीस ठीक है वीडियो पोस्ट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए देखिए कि सीरीज़ में आपस में क्या रिलेशन है तो हमने देखा तीन पाँच छ तो तीन में अगर दो जोड़ते हैं तो पाँच लेकिन पाँच जोड़ते हैं तो सात होगा तो इससे कोई रिलेशन है तो दोस्तों हम ध्यान देंगे तो एक अंक छोड़ के सीरीज़ बनाते हैं एक अंक छोड़ के सीरीज़ बनाते हैं हम चलिए कैसे ऐसे तीन के बाद लिया हमने छ ठीक और छः के बाद लिया हमने बारह बारह के बाद चौबीस ठीक तो हमने अब क्या देखा कि तीन दुनी छः और छः दुनी बारह और बारह दुनी चौबीस तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा दो से ठीक अब हम दूसरी सीरीज़ बनाते हैं पाँच पाँच के बाद आ रहा है हमारा बारह बारह के बाद क्वेश्चन मार्क फिर छब्बीस तो अब देखेंगे कि क्या जोड़ा जाए इसमें तो अगर हम पाँच में सात जोड़ दें तो बारह और बारह में सात जोड़ दें तो उन्नीस और उन्नीस में सात जोड़ेंगे तो छब्बीस ठीक तो हमारा सीधा प्लस सेवन करने पर सब में प्लस सात करा जा रहा है हमारा ठीक है प्लस सात ठीक है यानी पाँच में सात जोड़ें तो बारह बारह में सात जोड़ें तो उन्नीस और उन्नीस में सात जोड़ेंगे तो छब्बीस तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नीस कहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा उन्नीस आएगा ठीक उन्नीस तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं दिल्ली श्रीलंका लंक, एशिया तो देखिए दिल्ली श्रीलंका एशिया में आपस में क्या रिलेशन है दिल्ली भारत की राजधानी है श्रीलंका एक कंट्री है और एशिया एक महाद्वीप है तो दिल्ली और श्रीलंका दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठेगा तो हम ऑप्शन बी देखते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है ठीक है क्योंकि ये हमारा एशिया हो गया और इसके अंदर एक दहली हो गया और एक श्रीलंका हो गया तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी तो श्रृंखला ध्यान से देखते हैं फाइव एट नाइन सिक्स फाइव फोर टू थ्री सेवन और दूसरे में अगर ध्यान दें हम तो एट नाइन सिक्स फाइव फोर टू थ्री सेवन यानी कुछ मिसिंग है हम फाइव है ये मिसिंग है फाइव छोड़ दें हम ठीक है तो ये सीरीज एट बिल्कुल सेम रहेगी एट नाइन सिक्स फाइव फोर टू थ्री सेवन अब नेक्स्ट देखते हैं एट नाइन सिक्स फाइव फोर टू थ्री इसमें क्या मिसिंग है इसमें सेवन मिसिंग है ठीक और फिर नेक्स्ट देखते हैं नाइन सिक्स फाइव फोर टू थ्री इसमें क्या मिसिंग है फिर ये एट मिसिंग है ठीक है तो अगर अब हम ध्यान से सीरीज पे ध्यान देंगे तो पहले में पहला अंक मिसिंग है ठीक है और दूसरे में लास्ट फिर पहला फिर लास्ट ऐसे ही चलेगा तो पहला पहला फाइव मिसिंग हो गया दूसरा सेवन मिसिंग हो गया फिर तीसरे में एट हो गया यानी पहला तो अब हम इसका लास्ट डिजिट मिसिंग कर देते हैं तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा इधर आएगा नाइन सिक्स फाइव फोर टू तो नाइन सिक्स फाइव फोर टू हमारा ऑप्शन कहाँ पर है तो नाइन सिक्स फाइव फोर टू हमारा ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा आई होप क्लियर एक बार फिर से समझ लेते हैं पहले में फाइव मिसिंग है फिर सेम संख्या उतार ली गई है फिर दूसरी सीरीज में सेवन मिसिंग है बाकी सेम उतार लिया गया है फिर यहाँ पे एट मिसिंग है बाकी सेम उतार लिया गया है तो ऐसे ही हम यहाँ पे थ्री मिस करके सेम उतार लेंगे आगे तो नाइन सिक्स फाइव फोर टू आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था तो हमें 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था ये बताना है तो इस तरीका के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम ध्यान देंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि 30 जनवरी से और 2 मार्च 2013 तक टोटल दिन निकालेंगे तो टोटल दिन कैसे निकलेंगे देखिए तीस जनवरी तीस जनवरी दो हज़ार तेरह जनवरी कितने दिन की होती है इकतीस दिन की तो एक दिन तो बच्चा हमारा जनवरी का ठीक एक फिर फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी तो फरवरी होती है हमारी अट्ठाईस या उनतीस की तो दो हज़ार तेरह में अट्ठाईस दिन की होगी हमारी फरवरी ठीक है और फिर दो मार्च यानी मार्च के दो दिन अब आप सोच रहे होंगे कि दो हज़ार तेरह में अट्ठाईस दिन कैसे है तो दोस्तों जो साल हमारा चार से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है तो तेरह हमारा चार से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे फरवरी अट्ठाईस दिन की होगी ठीक है तो अब हम तीनों को जोड़ेंगे वन प्लस ट्वेंटी एट प्लस टू तो ये हमारा हो जाएगा इकतीस ठीक है इकतीस हो गया जोड़ लिया इकतीस हो गया अब इकतीस को हम क्या करेंगे इकतीस को हमें सात से भाग देना होगा इकतीस को सात से भाग देना होगा क्यों देना होगा क्योंकि सप्ताह में सात दिन होते हैं अब सात चौक अट्ठाईस हो गया हमारा ठीक है बचा क्या हमारा शेष बचता है तीन ठीक है इकतीस में से 28 जाएंगे तो तीन बचेगा तीन शेष बचा तो अब हमें क्या करना होगा गुरुवार में प्लस तीन दिन ऐड करने होंगे गुरुवार प्लस तीन दिन तो गुरुवार में तीन दिन ऐड कर दीजिए गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार फिर आता है शनिवार और फिर तीसरा आता है रविवार तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी यानी रविवार ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसमें दिया है तीस जनवरी दो हज़ार तेरह गुरुवार रहा तो दो मार्च दो हज़ार तेरह को कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले हमें तीस जनवरी से और दो मार्च तक के टोटल डेज निकाल लें तो टोटल डेज हमने अभी काउंट किए कितने हो जाएंगे इकतीस हो जाएंगे फिर इकतीस को सात से डिवाइड करना है सात से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष बचेगा तीन यानी शेष तीन दिन बचेंगे तो तीन दिन गुरुवार में ऐड कर लें तो हमारा रविवार बन जाता है चलिए और दोस्तों हाँ अगर सेस हमारा जीरो बचता है तो सेम वही दिन रहेगा जैसे गुरुवार है तो गुरुवार ही रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को सेवन लिखा जाता है तथा सेप को नाइन लिखा जाता है इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने अब ध्यान दीजिए कि बैट को सेवन लिखा जाता है तो बैट को सेवन किस तरीके से लिखा गया ये देखना होगा हमें तो हम बैट ले लेते हैं सबसे पहले लिया हमने बैड तो बैट को सेवन कैसे लिखा है इन्होंने ये देखते हैं हम बैट लिया हमने तो इन्होंने बेड को लिखा है बी बी हमारा आता है दूसरे नंबर पे ठीक है ए आता है हमारा पहले नंबर पे और डी आता है हमारे चौथे नंबर पे तो दो और एक तीन और चार सात तो इस तरीका से ये हो गया हमारा सात ठीक है अब नेक्स्ट है तथा सेप को नाइन लिखा जाता है तो ये हो गया हमारा सेप एस तो अब देखते हैं सेप को नाइन कैसे लिखा है इन्होंने सेप देखिए सेप एस का होता है उन्नीस ए का होता है वन और पी का होता है हमारा सोलह नंबर तो इनको जोड़ेंगे टोटल तो हमारा हो जाएगा उन्नीस सॉरी बीस और सोलह छत्तीस तो छत्तीस हो गया इसका ठीक है ये हो गया हमारा न, सेप का हो गया छत्तीस छत्तीस और लेकिन अगर हम देखें तो छत्तीस तो है नहीं सेप को दिखाया गया नाइन से तो अगर हम थ्री प्लस सिक्स कर देते हैं तो हमारा बन जाता है नाइन ठीक है और इसी तरीका से बैंड लेते हैं बी ए एन बैन बैन बी का होता है हमारा दो एक का एक प्लस एन का फोर्टीन तो अगर हम जोड़ते हैं दो और एक तीन तीन और प्लस चौदह तीन प्लस चौदह कितने हो जाएंगे हमारे सत्रह ठीक है अब सत्रह है सत्रह अगर आपस में दोनों को जोड़ लें एक प्लस सात तो ये हमारा हो जाएगा आठ समझ गए आप तो ये हो गया आठ तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में आठ कहीं दे रखा है क्या तो ऑप्शन में आठ है हमारा ऑप्शन ए ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया एक बार रिपीट कर लेते हैं इन्होंने बैट को सेवन लिखा है और शैप को नाइन लिखा है तो इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा देखिए बैठ के हमने सीरियल नंबर जोड़े तो सेवन आ गया लेकिन सेप के जोड़ने पर हमारा सेवन नाइन नहीं आता है छत्तीस आता है और छत्तीस को अगर थ्री प्लस सिक्स करें तो नाइन हो जाएगा तो ऐसे ही बैन के सीरियल नंबर को जोड़ें तो हमारा सेवनटीन आता है और सेवनटीन को आपस में जोड़ें वन प्लस सेवन तो एट हो जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है लुप्त संख्या कौन से में ये है हमारी लुप्त संख्या ये हमें ज्ञात करनी है ठीक है तो बाकी जो दो हमारे विकल्प हैं इसमें देखते हैं आपस में क्या रिलेशन है ठीक है तो सबसे पहले पहला देखते हैं हम इनको जोड़ लेते हैं आपस में हमने क्या जोड़ा छः चार छः चार और दो इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा छः चार दस दो बारह तो ये हमारा हो गया बारह ठीक ये बारह अब ऐसे ही इसमें जोड़ते हैं इसमें क्या है हमारा दो है दस दो दस फिर है आठ और ठीक है दस दो बारह बारह और आठ बीस और छः छब्बीस तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो अब ऐसे ही इसको जोड़ते हैं क्या है मेरा चार चार के बाद है चौदह चौदह के बाद है दस और दस के बाद है बारह ठीक है अगर इसको आपस में जोड़ते हैं हम तो ये हमारा हो जाएगा चौदह चार अट्ठारह अट्ठारह और दस अट्ठाईस अट्ठाईस और बारह चालीस तो ये हमारा हो जाएगा चालीस ठीक चालीस तो अब हम देखते हैं ध्यान से ये हमारा हो गया कितना जोड़ा हमने इनको तो ये हमारा टोटल था पहले ऑप्शन का पहले ऑप्शन का हमने सबको जोड़ा तो हमारा ये आ गया था बारह जोड़ने के बाद बारह आ रहा है और इसको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है छब्बीस और इसको जोड़ने के बाद आ रहा है हमारा चालीस ठीक है ये अगर हम इन सब को जोड़ लेते हैं तो अगर हम बारह में से माइनस दो कर दें तो ये हो जाएगा हमारा दस और छब्बीस में से अगर हम माइनस माइनस दो कर दें तो ये हो जाएगा हमारा चौबीस तो अगर हम चालीस में से माइनस दो कर दें तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी एट ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्टी एट तो थर्टी एट कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्टी एट है ऑप्शन सी तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आई होप दैट क्लियर समझ में आ गया होगा समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हमें इन सब को जोड़ लेना है छः चार दो ये सब जोड़ा हमने छः चार दस दो बारह बारह हो गया बारह में से दो घटाया दस बचा दस वस्ता है उसके बाद इन सबको जोड़ा दो और दस बारह आठ बीस बीस और छः छब्बीस छब्बीस में से अगर दो घटाते हैं तो चौबीस वस्ता है तो ऐसे इनको आठ चौदह अट्ठारह अट्ठारह और बारह तीस और दस चालीस तो ये हमारा चालीस में से अगर दो घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी एट करेक्ट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन तीन अनुपात तीस समानुपात सात अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी जो संबंध हमारा तीस तीन का तीस से है वही संबंध हमें दिखाना है सात का क्वेश्चन मार्क से तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम देखते हैं तीन को तीन का तीस से क्या रिलेशन हो सकता है सबसे पहले देखते हैं हम तीन को तीन को गुणा कर लेते हैं तीस से तीन गुणा तीस ती सॉरी तीन गुणा दस कर लेते हैं तीन गुणा दस तो ये हो गया हमारा तीन धाई तीस तो ऐसे ही सेवन गुणा दस तो हमारा हो जाएगा सेवनटी बट सेवेंटी हमारा ऑप्शन में नहीं है सेवनटी हमारा ऑप्शन में नहीं है तो ये रिलेशन हमारा गलत होगा तो हमें कुछ और देखना है तो अब हम देखते हैं तीन का अगर क्यू कर लेते हैं हम तीन का क्यू तीन का क्यू तीन का क्यू इंटू थ्री कर लें अगर तीन का क्यू क्या होता है हमारा तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तो यहाँ पे प्लस करना होगा हमें तीन का क्यू प्लस तीन करना पड़ेगा तो तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन प्लस तीन तो हमारा कितना हो गया थर्टी ठीक है सत्ताईस प्लस तीन थर्टी हो गया तो अब ऐसे ही सात का देखते हैं सात का क्यू कर लेते हैं प्लस सेवन कर लेते हैं तो सात का क्यू आपको पता ही होगा सात का क्यू होता है हमारा टू फोर्टी सॉरी थ्री फोर्टी थ्री यानी तीन सौ तैतालीस तो तीन सौ तैतालीस हो गया सात का क्यू तो 343 प्लस सात तो तीन सौ तैतालीस प्लस सात कितना हो गया हमारा तीन सौ पचास तो तीन सौ पचास देखिए कौन सा ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा ठीक है ऑप्शन डी यानी थ्री फिफ्टी तो तीन सौ पचास हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है एक बार रिपीट कर लेते हैं तो तीन का अगर हम क्यू कर लें तीन का क्यू प्लस तीन कर लेते हैं तो तीन तीर नौ तीर सत्ताईस यानी सत्ताईस प्लस तीन तीस हो गया तो ऐसे ही सात का क्यू किया हमने सात का क्यू हमारा होता है तीन सौ तैतालीस और तीन सौ तैंतालीस में सात जोड़ देते हैं तीन सौ पचास आ जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा सिक्सटी फोर हैज फोर डैश फोर डैश फाइव डैश एट तो हमें ये ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस हमें फिट करके देखना होगा समीकरण किससे संतुलित बैठती है तो अगर हम सभी ऑप्शंस को लगाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है तो हमें समय की बचत करनी है इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ऑप्शन वो ऑप्शन लगाएंगे डिवाइड वाला ऑप्शन लगाएंगे हम सबसे पहले चलो पहला ऑप्शन लगा के देख लेते हैं पहला ऑप्शन अगर हम लगाएं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें सबसे पहले हमें डिवाइड करके सबसे पहले हमें भाग करना है क्योंकि हम गुणा करने लगे तो हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा और वैसे ही बोर्ड मास्क का रूल कहता है कि सबसे पहले भाग करना ठीक है तो सबसे पहले भाग करके देखते हैं अगर ऑप्शन फिट करें तो हमारा भाग ऑप्शन ए लेते हैं तो भाग हमारा तीसरे नंबर पर आएगा तो अगर फाइव को डिवाइड करेंगे आठ से तो नहीं होगा दूसरा देखते हैं दूसरे में हमारा भाग यानी दूसरे नंबर पर आएगा तो चार भी पाँच से डिवाइड नहीं होगा फिर तीसरे में देखते हैं तीसरे में भाग हमारा लास्ट में आ रहा है तो पाँच फिर आठ से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब बचा चौथा तो चौथा तो डेफिनेटली सही होगा लेकिन फिर भी लगा कर देखते हैं चौथे को लगा के देखते हैं चौथे में क्या है कि पहले क्या है भाग है तो अब देखिए सिक्सटी फोर डिवाइड बाई फोर करेंगे हम सिक्सटी फोर डिवाइड बाई फोर तो कितना हो जाएगा हमारा ये सोलह बार में जाएगा सोलह चौह चौसठ होता है सोलह आ गया यहाँ पर उसके बाद है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई सोलह तो न, भाग लगा दिया हमने भाग के बाद आएगा गुणा तो गुणा हमारा कितना रहेगा फाइव रहेगा ठीक फाइव रहेगा फिर उसके बाद आता है हमारा प्लस तो प्लस कितना हो जाएगा एट अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सोलह पंजे अस्सी आट, तो प्लस आठ तो अस्सी प्लस आठ कितना हो गया अट्ठासी तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है ठीक गॉट इट चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यदि रीज़न को फाइव के रूप में और बिलीव को सेवन के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा तो ध्यान से देखें रीज़न को फाइव कैसे लिखा गया है ये देखना होगा हमें और बिलीव को सेवन कैसे लिखा गया है तो उसी हिसाब से हमें गवर्नमेंट का कोड बताना है तो अगर रीज़न अगर हम इसके कैपिटल वाइज सीरियल नंबर जोड़ें तो फ़ाइव तो इम्पॉसिबल है तो सबसे पहले हम इन काउंट करते हैं लेटर्स को तो ये है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसमें सिक्स लेटर हैं ठीक है, है? रीज़न में हमारे कितने लेटर हैं सिक्स लेटर हैं ठीक लेकिन फाइव लिखा गया चलिए अब इसमें देख लेते हैं कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इसमें आठ लेटर हैं चलिए इसको आठ लिख दिया तो अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें सिक्स माइनस वन तो ये हमारा फाइव बच गया ऐसे एट माइनस वन कर लें तो ये हमारा सेवन ठीक है।, है तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट को भी ऐसे ही गिनना होगा गवर्नमेंट में कितने ऑप्शन हैं चलिए देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और नौ दस तो गवर्नमेंट में हमारे दस लेटर्स हैं ठीक है दस लेटर्स हैं तो दस अब दस में से माइनस एक कर लेते हैं तो हमारा बचता है नाइन ठीक है तो नाइन कौन से ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा ओके आई होप दैट सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए होंगे